जिन साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे जो है कुछ अपडेट है उत्पाद सिपाही को लेकर। देखिए, बहुत पहले जब 2022 में उत्पाद सिपाही निकला था, उस टाइम एक अपडेट आया था कि लगभग जिन जिन जिलों में दौड़ होनी थी, उन जिलों में दोस्तों जो वहाँ के SP थे उनको दोस्तों नियुक्त किया गया था आपका जो दौड़ है उसे लेने के लिए। मतलब था कि जहाँ पे भी जिस भी ज़िले में दौड़ था, ठीक है, 2-3 जिलों को मिला के एक जगह दौड़ का यहाँ पे स्थान रखा गया था कि हाँ, इस ज़िले में जो है आपका दौड़ होगा। और वहाँ के कमांडेंट को, वहाँ के SP को ये चार्ज दिया गया था कि इस दौड़ को कंडक्ट कराए, ठीक है। उस टाइम 10 जो SP थे उनके नाम भी बताया था मैंने, और कहाँ कहाँ दौड़ होनी थी वो चीज़ भी मैंने बताया था 2022 में। यहाँ पे जो तो एक अपडेट है कि जितने भी जिलों के SP हैं वहाँ पे, लगभग जिलों के SP को दोस्तों यहाँ पे बदला गया है कुछ जिलों में, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा कि आप लोग का जो दौड़ होगा वहाँ के वो SP अब नहीं रहेंगे, ठीक है, और आपका दौड़ वो नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे SP का तबादला हो चुका है और एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा। जब दौड़ का डेट आएगा दोस्तों, तब आपको एक नया अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए इंतज़ार करिए कि आपका जो दौड़ है, जैसे कि अभी भी दोस्तों कमेंट करके आप लोग पूछ रहे हैं कि दौड़ दोस्तों, मैंने कहा है कि जैसे ही दोस्तों सावन ड्यूटी खत्म होगा, लगभग अगस्त में आपका सावन ड्यूटी खत्म हो रहा है 21 अगस्त को, इसके बाद दोस्तों डेफिनेटली आपका दौड़ का डेट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन एकदम ज़बरदस्त तरीके से पूरा जारी रखिए, ठीक है। और दौड़ जैसे कि अगर कुछ लड़के पूछ रहे कि रोड में किस प्रकार से रोड में आपकी दौड़ होगी, अगर होगी तो लगभग जहाँ भी अभी तक हुआ है दोस्तों ग्राउंड में हुआ है, ठीक है। अगर रोड में भी अगर मान के चलते हैं कि आपकी दौड़ होती है 10 किलोमीटर की, तो पूरा 10 किलोमीटर दोस्तों आपको नहीं जाना पड़ेगा, लगभग दोस्तों 5 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा और फिर 5 किलोमीटर दोस्तों आपको आना पड़ेगा। वहाँ पर दोस्तों एक टोकन मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जैसे ट्रेनिंग में भी आप लोग जाते हैं ना, ट्रेनिंग में भी जब आप लोग की 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर जो रनिंग कराई जाती है ट्रेनिंग के दौरान, तो वहाँ पे भी आपको आधा जाना पड़ता है, फिर वहाँ एक टोकन मिलता है, उस टोकन को फिर ला के आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि 10 किलोमीटर का आपका रनिंग होगा, तो मान के चलते हैं कि एक सीधा रोड रहेगा जो 5 किलोमीटर तक दोस्तों आपको जाना पड़ेगा रनिंग करके, और फिर 5 किलोमीटर आना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग 5 किलोमीटर का पॉइंट तक पहुँचेगा, वहाँ आपको एक टोकन दिया जाएगा, ठीक है, उस टोकन को लेकर आना है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल है दोस्तों कि आपका जो दौड़ है वो रोड में लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि उत्पाद सिपाही का जो दौड़ है वो रोड में लिया जाएगा, ठीक है। जहाँ तक दोस्तों चांसेस है, आपका जो दौड़ है वो आपका ग्राउंड में ही होगा, क्योंकि ग्राउंड दोस्तों अभी तक ग्राउंड में ही हुआ है, ठीक है। और जो पिछला अपडेट था उसके मुताबिक भी दोस्तों आपका जो दौड़ है वो ग्राउंड में ही लेने का पूरी चांसेस है दोस्तों। झारखंड पुलिस की या फिर RB की बात करें, तो उस टाइम जो दौड़ हुआ था वो भी दोस्तों हुआ था तो ग्राउंड में ही हुआ था, ठीक है। और ये दौड़ भी जो उत्पाद सिपाही का आपका दौड़ है, ये दौड़ भी होगा तो ग्राउंड में ही होगा। इसलिए आप लोग जैसे कि अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बरसात का मौसम है तो ग्राउंड वगैरह में पानी जमा हुआ रहेगा, तो आप लोग अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर भी नहीं पाएंगे ग्राउंड में, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग रोड में प्रैक्टिस करिए, लेकिन ग्राउंड में भी फिर प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी उतना दौड़ की प्रैक्टिस मत करिए, हल्का, ठीक है। जितनी हो सकती है हल्का हल्का अपने रनिंग को जारी रखिए। लेकिन उम्मीद है दोस्तों कि अगस्त के बाद कहीं भी आपका दौड़ का जो डेट है, मुझे लगता है दोस्तों September 1st या 2nd week में आपको डेफिनेटली दौड़ का जो डेट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, फिर बाद में दोस्तों फिर मौका नहीं मिलेगा आपका दौड़ का तैयारी करने के लिए, क्योंकि 10 किलोमीटर की दौड़ है तो प्रैक्टिस रहनी, थोड़ी भी प्रैक्टिस अगर आप लोग कर रहे हैं लगभग 5 किलोमीटर का ही करिए, लेकिन प्रैक्टिस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अचानक से फिर दौड़ का डेट आ जाएगा तो फिर मौका आपको नहीं मिलेगा, और दौड़ जैसे ही दोस्तों खत्म होगा फिर आपका एग्ज़ाम का डेट दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों समय कम है, आपको तैयारी करते जाना है, ठीक है। चलिए, यही था दोस्तों 2 अपडेट जो कि है। जैसे कि ग्राउंड में आप लोग दौड़िएगा तो वहाँ पे लगभग 25 राउंड 400 मीटर का ही ट्रैक रहता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा ट्रैक आपको देखने को मिलेगा नहीं, 400 मीटर का ट्रैक रहेगा। आसानी के साथ दोस्तों आप लोग अपना दौड़ को 25 राउंड दौड़ना है तो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया है अपने वीडियोज़ में कि किस प्रकार से दौड़ होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ होती है, सारी चीज़ें। बाकी नोटिफिकेशन आने दीजिए और दौड़ का डेट आने दीजिए, इसके बाद सारी चीज़ें। और मैं कहीं जा तो नहीं रहा हूँ, ठीक है, ड्यूटी के लिए इधर उधर भी जाता हूँ तो आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहा हूँ, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, अभी दोस्तों ड्यूटी के लिए कहीं बाहर जाना है, ठीक है। लगातार हम लोग RB का दोस्तों काम ही है, क्योंकि ये रियर पुलिस रहती है तो हम लोग कभी यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते हैं, एक जगह ड्यूटी स्थायी रहता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों अभी फिर से ड्यूटी का मांग आया, तो फिर से हम लोग निकलने वाले हैं कहीं पर,
तो इसी प्रकार से दोस्तों चलता रहता है, ठीक है। और कोई भी अपडेट होता है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी रहता है, तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करिए, ठीक है। उन जो भी आप लोग कमेंट करते हैं उस पर हम पढ़ते हैं दोस्तों, और पढ़ने के बाद जो भी समस्याएं सामने आती है उन समस्याओं को सोचते हैं कि दूर करें किसी तरीके से, ठीक है। जितनी हो सकता है उतना हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि स्टैंड लेके आजकल ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ कहीं कहीं पर, क्योंकि वैसा सिचुएशन नहीं होता, वैसा जगह नहीं रहता वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं आजकल आप लोग देख रहे हैं कि नॉर्मली सेल्फी स्टिक लेके दोस्तों कहीं भी खड़ा होकर दोस्तों आप लोग के लिए वीडियोस बना देता हूं, ताकि आप तक दोस्तों कोई भी सूचना हो वो छूटना नहीं चाहिए, आप तक सूचना में पहुंचा सकूं, ठीक है। मेरा मकसद दोस्तों यही है कि सूचना आपसे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी बड़ी छोटी अपडेट हो तो आपको मैं दे सकूं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।